Today on Sound Custom Gurus. Hello guys, welcome back to Sound Custom Garage once again. So, in 1958 Plymouth Fury Christian replica में काम एकदम लगातार से जारी है. पिछली बार जब मेरे को कहा दिखा रहा तो सिर्फ बॉडी का शेप कंप्लीट हुआ था, लेकिन अब हुड का काम कंप्लीट हो चुका है. यहाँ तक कि डेकलेट का काम भी शुरू हो चुका है और अब बॉडी अबाउट 95% ही कंप्लीट हो चुका है. तो क्या आप सरकार को देने के लिए तैयार हो? ओके, सरकार बच्चे आने ही वाला है. 1, 2 and 3. तो The 1958 Plymouth Fury Christine replica. ये देखिए. So पिछली बार जब मेरे को कहा दिखा रहा तो सिर्फ बॉडी का शेप कंप्लीट हुआ था, रूफ जो कि वेल आधा कंप्लीट हुआ था और बाकी जो कुछ भी हुड जैसे चीजें उनमें काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब फ्रंट वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. हालांकि सामने से वो जो पैनल था वो मैंने रिमूव कर दिया. वो मैंने उसे इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि सामने के ये जो पॉइंटेड हिस्सा है उस पैनल के होते हुए मैं ये सामने के वाला ये पॉइंटेड हिस्सा मैं बना नहीं पा रहा था और इसलिए मुझे वो पैनल रिमूव करना पड़ा. वैसे ये अच्छा ही हुआ क्योंकि ओरिजिनल पेमेंट फ्यूरी की फ्रंट वैसा होता भी नहीं है, सो इसलिए उस पैनल को रिमूव करने की वजह से वाला अच्छा ही हुआ है. सो जो डेकलेट का जो काम है यानी कि टेलगेट का जो काम है वो एक्चुअली शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से मैं डेकलेट को फिट नहीं कर पा रहा हूँ. एक्चुअली में मैंने डेकलेट को ऑलरेडी बना के रखा है ना, सो ये रही वो टेलगेट जो कि वेल कार में फिट होने वाले, लेकिन फिलहाल एक प्रॉब्लम है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइड वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी बैंड है. डिस्क टैप बैंड नहीं है, मतलब इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये काफ़ी स्ट्रेट है और काफ़ी स्ट्रेट होने की वजह से क्या हुआ है कि जैसे मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश करता हूँ ये एक्स्ट्रा पोर्शन देख सकते हैं आप, ये मैच नहीं कर रहा है और मैच ना करने की वजह से मैं इसे फिट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है. सो इसलिए मुझे साइड वाले हिस्से को थोड़ा सा काटना होगा ताकि ये जो टेल फिन वाला जो पार्ट है उसके साथ बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए. और एक और प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक जितना मतलब सेंटीमीटर है उससे ये वाला थोड़ा सा छोटा हुआ है. ये देख सकते हैं आप, वहाँ पर काफ़ी गैप है और गैप होने की वजह से वाली अच्छी तरह से फिट नहीं होगा. सो इसलिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड जोड़ना होगा, कार्डबोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाए और एक्स्ट्रा जैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद इसे फिट करने में थोड़ी सी आसानी होगा और साथ में कार की जो बॉडी उसके साथ ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा. सो ये सब चीज़ें करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मोस्ट लाइकली 1-2 घंटे में हो जाएगा और फिर उसके बाद डेकलेट को कार में फिट किया जा सकता है. तो जैसे ही डेकलेट का काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे विंडोज़ का काम करना होगा क्योंकि बार आप जानते हैं कि मैं इंटीरियर फिट नहीं करूँगा. सो इसलिए इंटीरियर को क्योंकि वैसे भी मैं फिट नहीं करने वाला, सो इसलिए ये जो ट्रांसपेरेंट विंडोज़ है ये बार ट्रांसपेरेंट विंडो फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो ये जो विंडोज़ वाला जो पार्ट है मैं इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देने वाला हूँ ताकि बाद में वहाँ पर ब्लैक कलर की टिंटेड विंडोज़ फिट किया जा सके जैसे कि ओरिजिनल मूवी कार में था. और अगर बात करें आउटर पैनल्स की तो आउटर पैनल्स एकदम एंड में होने वाले. फिलहाल आउटर पैनल्स तक पहुँचने में और भी काफ़ी काम बाकी है क्योंकि जो अंडर बॉडी का जो काम है अंडर बॉडी में फिलहाल कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, ये नीचे से पूरा खाली है. सो इसीलिए मुझे अंडर बॉडी में भी काफ़ी मेहनत करना होगा और इस बार मैं इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना हूँ कि मैं इस कार में जो कुछ भी हिस्से एक्स्ट्रा हिस्से जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग हिस्से को जोड़ के बनाया गया है. सो इसलिए इस बार मैं इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना हूँ कि इसमें जितने अलग अलग हिस्से क्यों ना जोड़ा जाए लेकिन कार की जो मजबूरी है वो बिल्कुल बरकरार रहे, क्योंकि अगर कार में मजबूरी नहीं बचेगा तो इस कार को कमिट करने में भी कोई मतलब नहीं रहेगा. सो इसलिए मुझे मजबूती का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है और फिर उसके बाद ही ये कार पूरी तरह से कम्प्लीट हो पाएगा. सो फिलहाल कार में जितना काम कम्प्लीट हुआ है उसके हिसाब से देखिए तो मोस्ट लाइकली और 10-15 डेज ही लगेगा क्योंकि फिलहाल अभी काफ़ी काम बाकी है और इस कार को मैं एकदम फटाफट से कम्प्लीट करना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फटाफट से कम्प्लीट करने का मतलब है मतलब आप समझ ही रहे जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है. सो इसलिए इस कार को जल्दी में करने से अच्छा है कि इस कार में धीरे से काम करके इसे बिल्कुल प्रॉपरली रेडी किया जाए. हाँ तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही. फिल्म लॉर्ड की मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद के तैयार की गई स्किल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा. लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो समय पसंद आया दे डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. हैव अ नाइस डे.